हेलो स्टूडेंट्स मैं दिपाली बी एम सैंस एन टी एस एम सी क्यूज ऑफ चैप्टर थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट लेके थोड़े सामने हाजिर हुई हाँ अच्छी क्लास का मेन फोकस एन टी एस सी एग्जाम से रहेगा विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन थर्टीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी जिस तरीके बेटे इलेक्ट्रिसिटी के मैं ट्वेंटी एम सी क्यूज़ वो डिसकसते अच्छ की क्लास में चैप्टर नंबर थर्टीन दे भी ट्वेंटी एम सी क्यूज़ थोड़े न डकस बट लैट मी वी वेरी क्लियर कि वी क्वेश्चन करके सा पूरी तैयारी नहीं हो जानी देर इज़ नो एंड टू द क्वेश्चन यू कीप ऑन डूइंग मैक्सीम वर्क एज यू गैट जिन्ना मटीरियल तो मिलता है सारे नैक्सीमम गो थ्रू करो तो अज्दी क्वेश्चन स्टार्ट करें मैं भी उम्मीद कर दी हाँ कि शायद तुम पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड गो थ्रू कर लिया होगा सो विदाउट एनी डिले लैट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन एक छड़ चुंबक ते बाहर चुंबकी बल रेखाव मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसैप्ट रिकॉल करो अपने माइंड कि जड़िया चुंबकी रेखावं होंदिया ने उन्हना दिशा अभी तो दसी बहरले पासे असी नॉर्थ टू साउथ होंदिया ने अंदरले पास साउथ टू नॉर्थ हम ले सी दी ऑप्शन एक क्वेश्चन है बाहर पूछ रहे हैं सूँ बाहर चुंबकी बल रेखाव सो so, अभी आउटर बारे दसना है सो so, पहला ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੌਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ that is your C option ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉਤਰੀ ਧਰੂਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਿਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ध्रुव बोल रहे हैं वो मैगनैटिक पोल हो गया तो जेड़ा असी उदा धरती दे बारे गल करा दैट इज़ भूगोलिक या फिर जोग्राफिक सो so, तुम एक सिंपल जहा कंसैप्ट माइंड रखो कि जे मैं दो मैगनेट एक दूसरे के सामने रखा तो कि स्टेबिलाइज पोजिशन मनी जाती है हमेशा जो ऑपोजिट ध्रुव होंगे है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं राइट जोड़े सेम पोल्स होंगे लाइक पोलस होंगे एक दूसरे को आकर्षित करते रिपेल करते हैं So, याद रखो कि क्वेश्चन हैं मैगनैटिक पोल चुंबक उ मैगनैटिकोगटल होगा ठीक है किस सामने अपने आप ना पहला ऑप्शन है बेटा भूगोलिक दखन नॉर्थ के सामने साउथ होना चाहिए उत्तर के सामने दखन होना चाहिए सही लग रहा है Uh, उथ so, ना एक मैगनैटिक पोल है तो दूसरा जियोग्राफिक पोल है थर्ड क्वेश्चन फ्यूज नमेशा के जो डोमैसटिक सर्किट का कंसैप्ट कराया असी दसियासी कि जोड़ा फ्यूज़ है उन्होंने हमेशा ही लाइव वायर कनैक्ट किया है क्योंकि फ्यूज़ का काम ही यह है कि जो मेन सोर्स है तो जिन्ना भी ज़्यादा करंट आ रहा वह सारा फ्यूज़ के वाया ही साढ़े बाकी डिवाइस तक पहुँचे तो जो जे पिछों एक्सैस वोल्टेज या एक्सैस करंट आए वो फ्यूज वायर इल्फ मेल्ट होकर डिवाइस न सेफ रखे सो so, फ्यूज हमेशा है, 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 है अर्थवाली तीसरी उदासीन यानी कि न्यूट्रल कोई भी नहीं सो स्ट्रेट क्वेश्चन आई थिंक सारे ने गैस कर लिया कि थर्ड का ए पार्ट जरा है फोर्थ क्वेश्चन एक सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकी बल रेखाव का आकार हों सो स्ट्रेट कंडक्टर द कंसैप्ट अं थ समझाया कि स्ट्रेट कंडक्टर दे दुआले कंसेंट्रिक मैगनैटिक फील्ड लाइनस डिवेलप होंदिया ने याद करो जो मैं थोड़ा डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड का कंसैप्ट समझासी तो मैं थोड़ू कहा कि पेन कंडक्टर बन के अपने सज्जे हथि पढ़ो तो अपना कर्ल ऑफ फिंगरस सू डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड लाइनस दसेगा सो so उस तो जरा को रिलेशन बना तो अपना ऑप्शनस वालन दो ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਨੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹੋਏ ਮੀਨਸ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਥੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟ ਸੋ ਸਮ ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ फिफ्थ क्वेश्चन बिजली मोटर एक अजिहा उदाहरण है जहरा परिवर्तन करता है हम बिजली मोटर इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन परिभाषा याद करो एक अजिहा यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मकैनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है बदल दिता है लटर सीधा ऑप्शंस। पहली ऑप्शन है यंत्रिक ऊर्जा बिजली ऊर्जा कनवर्ट करता गलत हो गया दूसरा की है कि बिजली ऊर्जा में यंत्रिक बदलता है सही लग रहा है तीसरी ऑप्शन भी देख लें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बदलता है so, तेनाली बिल्कुल सही है दैट इज बिजली ऊर्जा ऊर्जा है इलेक्ट्रीकल एनर्जी मकैनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मूविंग टू द सिक्स क्वेश्चन घरेलू बिजली उपकरणा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग बचाओ का सब तो महत्वपूर्ण उपाय के हम थे सामने कुछ ऑप्शन ने असी एक, -एक करके ऑप्शन के उत्ते डिस्कशन कर ला पहला है जी अर्दिंग हम अर्दिंग का कंसैप्ट शायद थानू तो आ है कि जो भी कोई एक्सैस चार्ज होए राइट जे अर्दिंग हो रखी होगी बेटे तो एक्सैस चार्ज सारे का सारा अर्थ में फ्लो हो जाएगा तो वो डिवाइस सेफ हो जाएगा दूसरा है जी फ्यूज़ की वरतों हूँ फ्यूज़ की वरतों जो असी कहने हमने मैं पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया जो पिछं ज़्यादा करंट आ रहा है तो अफकोर्स अं क्यूज़ वायर जी मेल्ट हो जाएगी राइट right? तो अगले वाले सारे डिवाइस बच जाएंगे स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर नाल भी जी एक्सैसिव वोल्टेज होंगी स्टैप डाउन किया जा सकता है फिर बिजली मीटर की वरतों करना यह सारे ही स्टैप्स काफ़ी हद तक साढ़े सेफ्टी मेजरस ने बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कि है दैट इज़ अफकोर्स अर्थिंग क्योंकि जे अर्थिंग हुई है तो काफ़ी हद तक सेफ्टी दे चांसेस चांस वे काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स छोटिया छोटिया लैन तो इलावा एक मेजर रोल अर्दिंग कर देंदी है कि कोई रिस्क का स्कोप ही नहीं रहा सैवंथ क्वेश्चन है बेटा प्रेरित बिजली करंट की दिशा में पता जा सकता है प्रेरित बिजली करंट मतलब इंड्यूज करंट एक इत्थे डिवेलप होयां असी इलैक्ट्रोमेगनैटिक इंडक्शन बाय फैरडे डिसकस की हूँ इफ यू रिमेंबर कि असीेल जो इलैक्ट्रिक मोटर का कंसैप्ट डकस किया फोर्स लगन बारे गल की उसे असी इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स की डायरेक्शन फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल तो सूँ मिलेगी तो जो अलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन का टॉपिक जनरेटर का टॉपिक डिस्कस किया उड़ी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई सशा बारे गलती डिस्कशन होया फलैमिंग राइट हैंड रूल से बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन देखते हैं पहला है जी सज्जा हथ सही लग रहा है दूसरा आ गया फ्लेमिंग का खब्बा हथ नियम यह गलत हो गया बेटे क्योंकि यह बल डायरेक्शन ऑफ मोशन दसता है अगला आ गया सज्जा हथ अंगूठा नियम यह भी गलत हो गया बिकॉज ए मैगनैटिक फील्ड लाइनस की डायरेक्शन दसता है लास्ट बेटा है खब्बा हथ अंगूठा नियम एवटा अ पढ़िया ही नहीं सो so, सारे ऑप्शन बेस्ट सुटेबल ऑप्शन किएगी दैट इज फ्लैमिंग सज्जे हथ नियम असी प्रेरित बिजलीकरण की दिशा लगते हैं एट क्वेश्चन अर्दिंग के रंग का बिजल रोधी कवच होंदिंग कह रही दैट मीनस अर्थ पायर उन uh, जो मैं डोमेस्टिक तो सर्किट का कंसैप्ट दिखाया क्लीअर किया कि डिफरेंट कलर दिया वायरस होंगे लाइव वायर न लाल रंग दिता जाता है न्यूट्रल नाला नू नीला थे अर्थ न ग्रीन सो ले द सीद्शनस नीला गलत हो गया ए, अर्थ वायर का रंग नहीं है न्यूट्रल लाल गलत हो गया लाइव वायरद है हरा सीम्स टू बी करैक्ट काला न्यूट्रल दो so, एक ही ऑप्शन सुटेबल है दैट इज अफकॉस सी ऑप्शन सो एट का सी उत्तर जरा है सही है नाइनथ क्वेश्चन बिजली दी की चुंबकी प्रभाव so, की खोज की सो मैगनैटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि करंट जिथे भी होए वे आले दुआले मैगनैटिजम हूँ है चुंबकी प्रभाव हों बारे एक्सीडेंटली खोज हो गई सड़े विज्ञानिक ने इसद उत्ते रिसर्च फर्दर की वह सके ऑरसटेड सो सारिया ऑप्शन थोड़े सामने लिखिया है सारे अलग अलग विग्यानिक नाम ने फैरडे बोहर एम्पीयर So ना, कोशिश करो किनिक संबंधित है जिदा इलेक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन बच्चे याद करते बट नाल हमेशा याद करो किन बाय फैरिडे मूविंग टू द नैक्स क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन चुंबक के अंदर बल रेखाविशा की होंगी है ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੌਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਟਸ ਸੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਨੌਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਵੱਲ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ दक्षणी थ्रुव तो पर वेग है इस तरीके उत्तरी थ्रुव तो परा वाल यह भी क्लियर नहीं है सो so, सारी ऑप्शन सब तो सूटेबल ऑप्शन साइड बी है साउथ टू नॉर्थ दक्षणी ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव वाल इलेवेंथ क्वेश्चन सर्किट विचों करंट की मौजूदगी का पता करने लिये उपकरण की वरतों होंगी है हम जे मैं डिटेक्ट करना हो कि मेरे किसी सर्किट करंट है या नहीं है तो मैं कि डिवाइस यूज कराँगी पहला ऑप्शन दिता बेटा वोल्टमीटर आई थिंक यू मस्ट बी क्लेयर कि वोल्टमीटर असी पोटेंशियल डिफरेंस नाइंड आउट करने वास्ते लगाने सो so गलत हो गया सैकेंड ऑप्शन कह बेटा गलवैनोमीटर सीम्स टू बी करैक्ट क्योंकि गलवैनोमीटर की रिफलैक्शन आनते सूँ ए आइडिया हो जाए कि इतने करंट है तीसरा जी मोटर मोटर का तो बेटा काम ही कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रीकल एनर्जी ने एनर्जी जनरेटर का भी कम कन्वर्जन है दैट इज़ इन्हें मकैनीकल एनर्जी में इलेक्ट्रीकल एनर्जी कन्वर्ट करना सो so, इन सारे सब तो सुटेबल ऑप्शन है, बी दैट इज़ गलवैनोमीटर ट्वैल्थ क्वेश्चन इन्हों पदार्थ एक शक्तिशाली चुंबक बनेगा हूँ जेडे सबसटैस दिते अभी देखना कि सब तो ज़्यादा सूटेबल मैगनेट बन सद ऑन बींग मैगनेटाइज एक है बेटा एलूमीनियम नहीं नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन पॉसिबल है तांबा नहीं स्टील नहीं सो so, ये स्ट्रेट ते क्लियर कट एक कोई ऑप्शन नज़र आ रही है दैट इज बी पार्ट नरम लोहा थर्टीन क्वेश्चन हेठ लिखियों सीधी धारा का स्रोत है सो so, uh, जोड़ा है अपना करंट करंटा जोड़ा सोर्स है उस पर असी चर्चा करनी है कुछ ऑप्शन सूँ दि गई एक है ड्राई सैल दैट्स खुश्क सैल बटन सैल बैटरी उपरोकत सारे सो मैन लगता है कि बहुत so, ही क्लियर है सू पता है सैल हो बैटरी होल आर सोर्स ऑफ करंट सो ए करेक्ट आंसर की बनेगा डी पार्ट उपरोकत सारे फोर्टीन क्वेश्चन चुंबकी बल रेखाव का आकार हमेशा किदियां होंगे सीधियां रेखावं वकर कि बंद वकर के त्रिकोण हम बेटे मैं इतने कहना चाहाँगी कि मैग्नैटिक फील लाइन बच्चे बहुत ही इन सिंपल कंसैप्ट मानते हैं बट इसते लगभग मैं जो नोटिस कर रही हाँ तो तीसरा क्वेश्चन आ गया पहले कुल कि बाहर उदी दिशा दी दी है। दी दी है। है कि होंगी फिर क्वेश्चन आया अंदर कि होंगी है हम पूछ रहे हैं कि कंप्लीट ओकार कि होंगे तो आप सोचो नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ दैट मीनस एक कंप्लीट लूप बन रहे हैं सो तो वकर कहोंगी तो गलत हो जाएगा इसलिए मेरा सही जवाब की होगा बंद वकर इूप फिफ्टी क्वेश्चन चुंबकी खेत उत्पन्न कर सकता है ऑप्शन so, अखना है, है है कि चीज़ा ने जिन्हों के आले दुआले मैग्नैटिक फील्ड डिवेलप होंला है जी इलैक्ट्रोमैगनेट बिजल चुंबक दूसरा छड़ चुंबक एट्स बार मैगनेट तीसरा सोलोनोइड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सारे बिकॉज असी तिना बारे जानकारी रखते हैं कि हरेक के आले दुआले मैगनैटिक फील्ड नोटिस किया है, सो so, साडा सही जवाब की बनेगा डी ऑप्शन उपरोक्त सारे सिक्सटीन क्वेश्चन सोलनोयड द्वारा उत्पन्न चुंबकी खेतर की प्रबलता इन्हों कारण से निर्भर करती है हूँ जोड़ा सोलोनोयड में मैगनैटिक फील्ड डिवेलप होंगे जी सेंथ है वह किस डिपेंड करती है सब तो पहले दिता है जी कुली की संख्या उनि कि नंबर ऑफ टर्नस के उ मैं बहुत क्लीयर किया जिन्ने ज्यादा नंबर ऑफ टर्नस होना ज़्यादा मैगनैटिक फील स्ट्रोंोंग होगा सो पहला ऑप्शन सही है दूसरा है जी करंट की प्रबलता उन्न जिन्ना ज्यादा करंट होएगा उन्नी ही ज्यादा मैगनैटिक फील स्ट्रेंथ होएगी सैकेंड ऑप्शन भी सही है तीसरा है सोलोनोयड में मौजूद पदार्थ उ सो यह मैं दसना चाहवागी कि जो सोलोनोयड अ खाली लें दर कोर ਸੋ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਹੋਵੇਗੀ ਬਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਸ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੈਲਿਡ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ 16th ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਉੱਤਰ ਕੀ ਬਨੇਗਾ? ਡੀ ਪਾਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 17th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ अगेन ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। सो सानू सारिया प्रॉपट मैगनैटिक फील्ड लाइनस दंगी तरह याद होनी है चाहिए बिफोर भी अटैम्प दिस क्वेश्चन पहली ऑप्शन है बेटा कि यह उत्तर ध्रुव तो शुरू होकर दु दक्षणी ध्रुव से खत्म होंगे ने दैट मीनस नॉट टू साउथ जा सही है दूसरा है यह एक दूजे को कट सकदिया है यह गलत हो गया क्योंकि मैं थोड़ा तो बहुत अच्छे तरीके समझाने की कोशिश की नो टू मैगनैटिक फील्ड लाइनस इंटरसैक्टीच अदर एद रीज़न यह दिता कि जिस बिंदु ते वो इंटरसैक्ट करेगा दैट मीनस पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन दो टेंजेंट बन जाएंगे, दो टेंजेंट का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड की एको बिंदु ते दो दिशाव बन जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है सो सैकेंड ऑप्शन गलत हो गए कि यह प्रॉपर्टी नहीं है दैन आ गया जी ए बंद वक्र हों पिछे असी क्वेश्चन करके हटिया यह भी सही है सो लास्ट ऑप्शन है उपरोकट सारे उपर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बी जो गलत हो गया so, सही जवाब किट सकद ने सो यह गुण नहीं है एटीन क्वेश्चन शोर्ट सर्किट के समय बिजली तारा की होंगे है सो so, शॉर्ट सर्कटिंग तवरलोडिंग तो का पहले भी डिस्कशन अंतिम करके आए सबू पता है कि शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग बेसिकलीफ द करंट और चार्ज सो ली दाफी घट जाता है बिजली धारा यानी कि करंट काफी कट जाता है गलत लग रहा है दूसरा है कोई बदलाव नहीं इट इज नॉट द केस चेंज तो होंगे ही है तीसरा है काफी बद जही लग रहा है लास्ट की है लगातार बदलाव हों बेटा जी बदलाव होंगे है तो एक वेग आंसर मनिया जाता है कि वह रहा है कि घट रहा उस टर्म्स में सू उ देना है। इसलिए सानू सी ऑप्शन में सही मनना पेगा काफ़ी बढ़ जाता है नाइनटीन क्वेश्चन करंट पैदा करन वाला यंत्र है हम करंट पैदा करन वाला दैट मीनस कोई अजिहा डिवाइस जो मकैनीकल एनर्जी को इलैक्ट्रीकल एनर्जी बदल दिता होनी कि करंट पैदा करता होप्शन है जनरेटर सही लग रहा दूसरा है गलबैनोमीटर ए करंट की प्रेजेंस को सिर्फ डिटेक्ट है एम मीटर करंट करंटू मेजर करता है कि करंट है लास्ट है मोटर मोटर तो बेटा रिवर्स है दैट मीनस केस में इलैक्ट्रीकल एनर्जी यूज करके मकैनिकल एनर्जी बनाई जाती है सो सारिया ऑप्शन बचों मोस्ट वैलिड ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट जनरेटर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन संघनिया चुंबकी बल रेखाव की दर्शाद हैं संघनिया दैट मींस कराउड जिथे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट्ठिया हो जान बेटे वह मतलब होंगे है कि सा उस जगह ते मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रोंोंग है राइट इस गल न माइंड में रख के ऑप्शंस देखो पहला है प्रबल चुंबकीय खेतर सही लग रहा कमजोर चुंबकीय खेतर गलत हो गया एक समान चुंबकी खेतर गलत हो गया तो लास्ट है बेटा जी एना कोई भी नहीं सो ए भी गलत है सो so, सानू ट्वेंटी का ए ऑप्शन सही मनना दैट इज योर प्रबल चुंबकी खेतर उम्मीद कर दा अ सारे के सारे ट्वेंटी क्वेश्चन तो समझ आ गए होटाल फिर रिपीट कर रही हाँ बेटे सिर्फ ट्वेंटी क्वेश्चन करके ही चैप्टर की तैयारी नहीं हो जाएगी सूँ ज्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर थ्रू करने हैं होर प्रैक्टिस करनी है बट सारी प्रैक्टिस तो पहला कि फर्ज बनता है कि असी चैप्टर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करिए जिन्नी ज़्यादा अंडरसटैंडिंग होएगी ना बेटे उन्नी ज़्यादा एमसीक्यूज ईजी लगन गए सो so, उम्मीद करती हूँ अज की क्लास थोड़े लिए फ्रूटफुल रहेगी प्लीज़ वर्क हार्ड एंड थैंक यू वेरी मच